नमस्कार, मैं स्नेहलता अग्रवाल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बरसते बादल कविता के जितना भी व्याकरणांश है वो जानेंगे। हम शुरू करते हैं बरसते बादल इसके शीर्षक से। बरसते शब्द यहाँ पर वैसे तो क्रिया होता है बरसना, परंतु यहाँ पे आगे संज्ञा शब्द बादल लग गया है, इसीलिए ये बादलों की विशेषता बता रहे हैं कि ये बादल बरसात करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर बरसते शब्द क्रिया न होकर विशेषण होगा। बादल शब्द संज्ञा है और इसके पर्यायवाची हैं घन, मेघ, वारिद, जलद, नीरद, अम्बुद आदि। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पानी के पर्यायवाची के साथ में द लगकर बादल के पर्यायवाची बन रहे हैं। जल प्लस द जलद, नीर प्लस द नीरद, अम्बु प्लस द अम्बुद, पय प्लस द पयोद, वारी प्लस द वारिद आदि। झमझम झमझम आप देखेंगे कि दो बार आया है, तो वे शब्द दो या दो से अधिक बार जब आ जाए, कोई भी शब्द जब दो या दो से अधिक बार आ जाए और उनके मध्य में योजक चिन्ह जुड़ जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्ति युग्म शब्द कहते हैं, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं और जोड़े के रूप में, युग्म यानी जोड़े के रूप में आ रहे हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पुनरुक्ति युग्म शब्द। और इस कविता में आपको बहुत सारे युग्म शब्द दिखाई देंगे। झमझम ध्वनि बता रहे हैं हमें, बादल जो बरसात कर रहे हैं उसके बरसने की ध्वनि बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे झमझम शब्द हो जाएगा ध्वनि साम्य पुनरुक्ति युग्म शब्द। मेघ, मेघ के पर्यायवाची हमने ऊपर बादल में ही पढ़ लिए हैं। सावन शब्द तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा श्रावण। सावन महीना है हमारे हिंदी महीनों में, यह एक महीना है, इस महीने में बहुत बारिश होती है। तद्भव और तत्सम मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि संस्कृत भाषा से कुछ शब्द हमारी हिंदी में सीधे ही आ गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जबकि कुछ शब्द हैं वो रूप परिवर्तित करके बोलने में आसानी हो इसीलिए, या जो क्षेत्रीय भाषाएं स्थानीय भाषाएं होती हैं उनका उनमें कुछ उनका प्रभाव पड़ जाता है तो कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। छमछम, छमछम शब्द भी बारिश के पत्तों से निकलकर बारिश आ रही है उस ध्वनि को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए यह भी ध्वनि साम्य पुनरुक्ति युग्म शब्द है। गिरती विलोम शब्द हो जाएगा उठती। बूंदे बहुवचन रूप में है जिसका एक वचन हो जाएगा बूंद। तरु, तरु यानी कि पेड़, पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, पादप, गाछ। चमचम, चमचम शब्द बिजली की चमक के लिए यहाँ आया है, यह भी पुनरुक्ति युग्म शब्द है। बिजली, बिजली का अर्थ है या यूं कहें पर्यायवाची होंगे चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, तड़ित। उर शब्द के पर्यायवाची होंगे हृदय, मन, घट, अंतर, चित्त। घन, घन शब्द एक अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला, जहां पर यह प्रयोग में आएगा उस हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। घन, एक घन हो गया आकृति, हम गणित में पढ़ते हैं क्यूब, उसी को हिंदी में कहते हैं घन। एक घन यानी हथौड़ा और एक घन यानी बादल। उसके बाद में है थम थम,
थम भी पुनरुक्ति युग्म शब्द है और इसका अर्थ हो जाएगा रुक रुक कर। दिन, इसके पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर, दीवा और इसका विलोम शब्द हो जाएगा रात। तम, तम के पर्यायवाची होंगे अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तमस और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। सपना, सपना शब्द भी एक तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा स्वप्न और इसका एक और अर्थ होता है ख्वाब। इसका बहुवचन रूप हो जाएगा सपने। दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेंढक, जिसके पर्यायवाची होंगे मेंढक, मंडुक, भेक, वर्षाप्रिय और टर टर इसकी ध्वनि है, मेंढक की आवाज है टर टर। झिल्ली यानी झिंगुर, झिल्ली शब्द भी अनेकार्थी शब्द है। विज्ञान में आप लोग पढ़ते हैं झिल्ली यानी कोशिका का बाहरी आवरण और एक झिल्ली का अर्थ हो गया झिंगुर। झन झन, झिंगुर की ध्वनि यानी झिंगुर की आवाज को झनझन कहते हैं। म्यो म्यो मोर की आवाज है, पियू पियू चातक पक्षी की आवाज है। मोर शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे मयूर, नीलकंठ, शिखी, शिखंडी, केकी, कलापी, नर्तक प्रिय। चातक एक पक्षी होता है जो कि प्रसिद्ध है अपनी एक आदत के कारण, वो ये है कि जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तभी इस पक्षी की प्यास बुझती है। गण, गण शब्द भी तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा गण। इसके पर्यायवाची हैं समूह है, दल, संघ, वृंद, समुदाय, झुंड। सोन बलाग भी एक तरह का पक्षी है। आर्द्र, इसका अर्थ है नम और इसका उल्टा हो जाएगा शुष्क। सुख, विलोम शब्द दुख। क्रंदन के पर्यायवाची होंगे रोना, विलाप, रुदन। गगन शब्द के पर्यायवाची होंगे आकाश, व्योम, नभ, आसमान, अंबर। रिमझिम, रिमझिम बारिश जब धीमी होती है तो हम उसे रिमझिम कहते हैं और जब तेज बारिश होती है तो हम उसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। स्वर, स्वर के पर्यायवाची हैं आवाज, ध्वनि, नाद, रग। रोम सिहर उठना यानी रोंगटे खड़े होना। आपके हाथों पर छोटे छोटे बाल हैं वो रोम है और ये रोम आप देखती हो कि जब आपको सर्दी लगती है या आप बहुत ज़्यादा रोमांचित होते हो या आप डर जाते हो तो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए रोम सिहर उठने का अर्थ हो जाएगा रोंगटे खड़े होना। और वो किस किस कारण होते हैं? रोमांच, डर, प्रसन्नता, ठंड के कारण। वे एक सर्वनाम है और इसका एक वचन हो जाएगा वह। भीतर का अर्थ होगा अंदर और इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाहर। अंतर, अंतर शब्द भी एक अनेकार्थी शब्द है। अंतर यानी हृदय के पर्यायवाची में मैं आपको इसका बता चुकी हूँ और दूसरा अर्थ होता है इसका भेद। धाराओं, धाराओं और धाराएं पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। धाराएं शब्द है वो धारा का बहुवचन रूप है, तो आप कहेंगे फिर धाराओं, तो कुछ शब्द के साथ में जब कारक चिन्ह जुड़ जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इसके आगे पर कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जो बहुवचन रूप है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक शब्द। इसका एक वचन हो जाएगा धारा। झरती, झरती पे आप देखेंगे पीछे अनुस्वार है यानी कि ये बहुवचन रूप में आया है और यह झरती क्रिया है। धरती के पर्यायवाची होंगे वसुधा, वसुंधरा, भू, भूमि, पृथ्वी, इला, धरणी, अवनी।
रज, रज के पर्यायवाची मिट्टी, धूल, रेत, माटी। कण कण, प्रत्येक कण, हर कण अव्ययी भाव समास होगा। तृण तृण, प्रत्येक तृण या प्रत्येक तिनका, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। पुलकावली, पुलकावली का अर्थ हो गया होगा खुशी से, रोमांच से, प्रसन्नता से, जो एक झड़ी लग जाती है, एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, पुलकावली कहेंगे। और यह एक भाववाचक संज्ञा है। वारी, वारी के पर्यायवाची नीर, पानी, जल, अंबु, तोय, उदक आदि। झूलता, झूलता क्रिया है। इंद्रधनुष, सुरधनु, सप्तवर्ण, इंद्रायुध, इंद्रधनु, शक्रधनु। झूले संज्ञा है और झूलने क्रिया है। झूलने में पीछे में अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि झूले एक संज्ञा शब्द है जिसमें हम बैठकर झूलते हैं। जन का अर्थ होगा लोग। फिर यानी बार बार, हर बार। जीवन का उल्टा मरण। मन भावन, मन को भाने वाला, और इसके पर्यायवाची होंगे मन पसंद, मनोहर, मनमोहक।